हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम टेलर्स टू लाइफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं जो कि गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लिखा हुआ देख सकते हैं, इन एन सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विद द सीमेंटेड कार्बाइड टूल एंड स्टील वर्क पीस, इट इज़ फाउंड एट द टेलर्स एक्सपोनेंट। ठीक है, एन की वैल्यू आपको दी हुई है 0.25। टेलर्स टू लाइफ आप इक्वेशन आपको पता होना चाहिए तभी ये सॉल्व हो पाएगा। ओके, कटिंग स्पीड हम मान लेते हैं, कटिंग स्पीड इनिशियली वी है, ठीक है, तो और रिड्यूस कर देते हैं 50%, तो टू लाइफ इक्वेशन क्या होगा। तो सीधा सा सवाल है, देखिए सबसे पहले टेलर्स टू लाइफ वी टी टू द पावर एन इक्वल सी, वी क्या है वेलोसिटी है, ये स्पीड है, ठीक है टू लाइफ है, ये टेलर्स एक्सपोनेंट है और ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी वन टी वन ये इनिशियल बोल सकते हैं, एन इक्वल्स वी टू टी टू द पावर एन, है ना, इक्वल सी होगा। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली वेलोसिटी मान लेते हैं वी, ठीक है टू लाइफ मान लेते हैं टी वन टू द पावर एन कर दिया आपने। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि कटिंग स्पीड रिड्यूस टू 50%। ठीक है, इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0.5 V होगी, आपने रिड्यूस कर दिया, और यहाँ पे टी टू दी पावर एन, और एन की वैल्यू आपको दे रखी है बेसिकली, तो वी टी वन एन की वैल्यू कितनी है 0.25 इक्वल्स 0.5 V एंड टी टू दी पावर 0.25। ठीक है, टू लाइफ कितना चेंज हो रहा है वो पूछा हुआ है इसमें। तो देखिए वी वाले टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वी डिवाइडेड बाई 0.5 V इक्वल्स टी टू बाई टी वन टू द पावर 0.25। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, इस पावर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी से वी कैंसिल आउट हो गया, 1/0.5 मीन्स टू, टू इक्वल्स क्या आ गया टी टू अपॉन टी वन टू द पावर 0.25। अब दोनों तरफ आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, जब आप लॉग लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एल एन टू इक्वल्स 0.25 एल एन टी टू अपॉन टी वन। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, एल एन टू डिवाइडेड बाई 0.25 इक्वल्स एल एन टी टू अपॉन टी वन। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो एल एन टू डिवाइडेड बाई 0.25, ठीक है तो आ गया 2.77 इक्वल्स एल एन टी टू अपॉन टी वन। अभी एल एन हटाने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स ई टू द पावर 2.7725। ठीक है, इसको वर्चुअल कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं तो बेसिकली क्या है, 2.7725। ठीक है, ये ई टू द पावर आ गया तो 15.99 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया 16 टाइम्स, इसका आंसर हो जाएगा 16 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप देखोगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखा हुआ देख सकते हैं, अंडर अ सर्टेन कटिंग कंडीशन डबलिंग द कटिंग स्पीड रिड्यूसेस द टूल लाइफ टू 1/16 द ओरिजिनल टेलर्स टूल लाइफ इंडेक्स, है ना, फॉर दिस टूल वर्कपीस कॉम्बिनेशन विल बी। तो आपको एन की वैल्यू पूछी है, ठीक है स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, जैसे हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, और टू लाइफ टी एन है। ठीक है, और फिर क्या कर दे रहे हैं हम, उसके बाद हमको क्या कर दे रहे हैं, कटिंग स्पीड रिड्यूस टू, ठीक है डबलिंग द कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड को डबल कर दे रहे हैं, मीन्स ये टू भी हो जाएगा वी की जगह, अब इन टू, है ना, ये भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो टू लाइफ आपका 1/16 हो जा रहा है, मतलब टी अपॉन 18 टू द पावर एन हो जा रहा है। दूसरा यूज़ करता हूँ, तो आपको एन की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सीधा है बी वाले टर्म से एक तरफ ले लो, वी अपॉन टू वी इक्वल्स टी बाई 18, ठीक है या मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, टी अपॉन 18 टू द पावर टू अपॉन टी टू द पावर होल पे पावर एन आ जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों पे एन, टी क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल्स, अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो टी अपॉन 18
इंटू, इसको डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो 1/t हो जाएगा, टू दी पावर n है, t से t कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, 1/2 इक्वल्स 1/18 टू दी पावर n, ठीक है 1/18, तो लॉग ले लो इसका दोनों तरफ, तो ln 1/2, ठीक है 1/2 कर देते हैं या 0.5 कर देते हैं, इक्वल्स n ln 1/18, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ln इक्वल्स n इक्वल्स आ जाएगा ln 0.5/1/18, 1/18 क्या आता है 1/18, तो यार 0.055, ठीक है तो इसको निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं इसको सी 0.5, ये ln ले लिया, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 0.05555, ठीक है इसका भी हमने ln ले लिया और ये डिवाइड कर दिया, तो n की वैल्यू आ रही है आपकी 0.2398, ठीक है तो ये आ गई आपकी n की वैल्यू, आप इसको 0.24 भी लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं आप, इसमें टू लाइफ इक्वेशन विद एक्सपोनेंट, इसमें एक्सपोनेंट n की वैल्यू दी है 0.5 और बोला कटिंग स्पीड रिड्यूस बाई 50% द रेशियो ऑफ द न्यू टू लाइफ टू द ओरिजिनल टू लाइफ पूछा है, ठीक है कटिंग स्पीड रिड्यूस कर देना 5, तो इनिशियल स्पीड v है, t इनिशियल टू लाइफ मान लेते हैं t1 है, ठीक है इसकी पावर क्या हो जाएगा 0.5, भाई टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन क्या है, वी वन टी वन टू द पावर एन इक्वल्स वी टू टी टू द पावर एन, वी क्या है स्पीड है, टी टू लाइफ है, एन एक्सपोनेंट है, इक्वल्स क्या हो जाएगा कटिंग स्पीड को रिड्यूस कर दे रहे हैं 50%, तो इसका मतलब ये कितना बचा 0.5 वी टी टू टू द पावर 0.5, वी वाले टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं तो वी अपॉन 0.5 वी इक्वल्स टी टू अपॉन टी वन टू द पावर 0.5, बहुत आसान सा है, तो ये इसको बी से भी कैंसिल आउट है, 1/0.5 मीन्स ये 2 आ जाएगा, तो इक्वल्स क्या आ जाएगा टी टू अपॉन टी वन टू द पावर 0.5, सीधा है ओके। और हम इसको पावर को इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 में, तो टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स क्या आ जाएगा 2^1/0.5 मीन्स टी टू अपॉन टी वन, 1/0.5 का मतलब 2, तो टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स क्या आ जाएगा 4, ठीक इसका मतलब जो टू लाइफ है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी ना, इसका रेशियो 4 आ जाएगा, तो ये 4 इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं, इसमें कटिंग स्पीड दी है टू लाइफ दी है और एन और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, गेट 2009 का क्वेश्चन है, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, सबसे पहले इक्वेशन लगाएंगे v1 t1 टू द पावर n इक्वल्स v2 t2 द पावर n, ठीक है इक्वल सी होता है, सी में छोड़ दे रहा हूँ, तो v1 कितना है यहाँ पे, v1 का मतलब स्पीड तो 60, t1 की वैल्यू कितनी है 81 टू द पावर n इक्वल्स v2 कितना है 90 इंटू टू लाइफ सेकेंड केस में कितना 36 टू द पावर n, तो n वाले टर्म से एक तरफ लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 81 अपॉन 36 टू द पावर n, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया इक्वल्स 90 अपॉन 60, तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, मैं इसे साइंटिफिक से सॉल्व करता हूँ इसको, तो 81 डिवाइडेड बाई 36 ये आ रहा है 2.25 टू द पावर n इक्वल्स है ना 90 अपॉन 60, तो 90 डिवाइडेड बाई 60 तो ये आ रहा है 1.5, ठीक है ओके। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ये n ln 2.25 इक्वल्स ln 1.5, तो n इक्वल्स क्या आ जाएगा ln 1.5 नेचुरल लॉग अपॉन ln 2.25, ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं तो ln
1.5 ln डिवाइडेड बाई 1.25 ln, ठीक है। तो ये आपकी आ गई n की वैल्यू। सर ये 1.25 नहीं है, 2.25 है। मैं इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ। 1.5 ln डिवाइडेड बाई 2.25 ln, ठीक है, ये आ गया 0.5। तो n आ गया आपका 0.5। अब n आ गया तो t की वैल्यू बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। t क्या होता है, कॉन्स्टेंट। c की वैल्यू निकालनी, सॉरी। तो ये n आ गया आपका, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 t1 टू द पावर n इक्वल c। c आपको निकालना है। तो v1 कितना है, 60। देखो यहाँ पे दिया हुआ v1 60 और t1 क्या है, 81 इंटू 81 टू द पावर 0.5 n इक्वल ये c। तो निकाल लेते हैं इसको। इसमें देखो 81, राइट, हाँ 81। तो 81 टू द पावर क्या है, 0.5, जस्ट अ मिनट। तो ये 81 टू द पावर 0.5, ठीक है, ये आ गया आपका 9। और 9 में आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, 60 का, ये आ गया 540। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 540। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.5 और 540। तो इसका A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, पहला ही आपका सही आंसर है। बाकी सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे N और C की वैल्यू है। इसमें पूछा है टूल लाइफ को यदि हम कटिंग स्पीड को हाफ कर दें, टूल लाइफ कितने परसेंट डबल हो जाएगी। तो ये खुद से सॉल्व करिए, ऐसा क्वेश्चन कराया मैंने।